यार भाई, मैं कब से महल पे जा रहा हूँ, आप दरवाजा खोलते हो और अंदर चले जाते हो। ओ यार, आप नजर ही नहीं आए, मुझे लगा कोई बच्चा बैल बजा के भाग जाता है। यार मेरी मामा पूछ रहे हैं, आपकी मामा घर पे है? हाँ अंदर ही है, आ जाओ। उस्मान यार, ओ यार इधर आ, एक जरूरी काम है। हाँ क्या काम है? मार यार बात सुनना। हाँ बोल, क्या हो गया? यार ये उतार दे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। हाँ ये चाहिए था। हाँ, ये ले पकड़। बोतल तो ला दे। क्या? ओ यार बोतल तो ला दे। क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। ओ यार बहरा हो गया, बोतल का बोल रहा हूँ, बोतल तो ला दे। ओ यार तेरा सुनाई नहीं दे रहा, तू एक काम कर, मुझे ना कॉल कर, फिर उसमें बता। ओ हेलो, ओ बोतल कह रहा हूँ, बोतल। ओ अच्छा, बोतल भी ला दूंगा, एक बात तो बता यार तू। हाँ बोल। जब बारिश होती होगी है, तेरे तक पहुंचने पहुंचने में 5-10 मिनट तो लग ही जाते होंगे ना वैसे। ओ यार तूने काम नहीं करना था तो ऐसे ही बता दिया कर, आगे से चले तो ना मारा कर। ओके यार तू तो गुस्सा ही कर गया, चल ठीक है मैं बोतल लेके आता हूँ। ये ले। अच्छा चल एक बात बता, फिर दे दूंगा। हाँ बोल। जब तू सोने जाता होगा तो सीढ़ी लगा के बेड पे चढ़ता होगा ना। ओ यार मैंने नहीं बोली बोतल पीनी। अच्छा छोड़, गुस्सा ना किया कर, ये पकड़ बोतल है, तेरा कद छोटा है इसलिए तेरे में बर्दाश्त भी कम है। सनी तुझे पता है इसका कद क्यों छोटा है? क्यों? क्योंकि ये बचपन में सीढ़ी लगा के नहीं पीता था। अच्छा उस्मान यार तुझे पता है, जब इनके घर मेहमान आते थे इनके पास कुर्सी नहीं होती थी बैठने के लिए, इसकी माँ इसको ही कुर्सी। और तुझे पता है इनका एसी वाला कमरा इतना छोटा है कि जब इनके घर मेहमान आते थे ना तो इनकी अम्मा इनको फ्रिज के निचले वाले कोने पे सुला देती। ओ यार अपनी हाइट का कुछ कर, अपनी अम्मा को बोला कर तुझे कुछ पिलाए चलाए, कल को तू बारात लेके जाएगा तो लोगों ने बोलना सड़वाला आ गया, दूल्हा आया ही नहीं। अच्छा यार उस्मान तुझे पता है ये इतना छोटा है, बाजार में जब रश होता है ना ये लोगों की टांगों में से। I hope you guys enjoyed the video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा ताकि हम ऐसी मजीद शॉर्ट स्टोरीज बनाएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।